ओके बाय मम्मी, बाय बाय। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दादा दादा दादा। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बर्थडे वर्थडे कंप्लीट हो चुका है मेरा और आज मैं जा रही हूँ घर पे। वैसे मैं बताया मिलने के लिए आई थी सबसे, तो मिलना मिलना हो गया और अब मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि सुरजीत बना आए हुए हैं ना, तो कहेंगे वे भाभी सा रुक गए जाके, इतने सालों में आते हैं। निकिता चली जाएगी जब मैं वापस आ जाऊँगी। अब एक साथ क्या, फिर हम दोनों आ जाएंगे ना, फिर दोनों एक साथ चले जाएंगे तो फिर मम्मी का मन नहीं लगेगा। ये चली जाएगी फिर मैं आ जाऊंगी, ऐसा ही होता है दो बेटियों में। तो मैं फाइनली जब ही जा रही हूँ, भैया छोड़ने के लिए जा रहा है मेरे को, तो चलो चलते हैं। ये पता नहीं आजकल कैसे कैसे साउंड निकालता है। आओ कैसे रुद्रू, आओ। मैं तो रात को डरी गई थी, पहली बार मैंने इसको देखा ऐसी आवाज निकालते हुए। ओके बाय मम्मी, बाय बाय, बाय बाय। ठीक है कन्नू, ओजू और आती रीजे हैं इने इने कने छोड़े जे गिल्ले में घर पाचो मतलब पाड़ियो पोसो। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे, जैसे आप देख सकते हैं भैया के लिए चाय बना रही हूँ। और ये रीवा और हर्षु जिद कर रहा था कि मैं ना कन्नू मासी को छोड़ने के लिए जाऊंगा, तो देखना इसको, देखना कैसे भाग रहा है गाड़ी पे, पीछे पीछे भाग रही है इसके। अब मैं बना रही हूँ भैया के लिए चाय। चाय जैसे रीवा रोने लग गई, जाओ मत कटे, जाने दे बेटा, जाने दे, जाने दे। बाय रीवा, बाय रीवा। आ तो टाटा कर दी भाई, जा। नहीं बेटा अपन और कभी चलेंगे, और कभी मामा के। आजा 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 रीवा, आजा। तो मैं ड्रेस चेंज करने जा ही रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि किस्मत ऐसा का बर्थडे है। केक तो मैंने ऑर्डर देके बनवाई ली इनके फ्रेंड से, बस गिफ्ट लाना ही था। तो मैं गिफ्ट लेने के लिए जा रही हूँ, अब देखते हैं क्या लेके आते हैं मम्मी के साथ। टी शर्ट बताया किसका है, ये हर्षु का है, ये इस निकिता ने दिया था, इस पर इतना सुंदर लग रहा है। और ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट, ये कल लाना भूल गए थे, ये ऑफिस से डायरेक्ट आए थे तो ये इन्होंने मेरे लिए अमेजोन से ये बोट के ये मंगवाए थे एयरपॉड। इसकी मुझे है ना बहुत ज़्यादा नीड थी, मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो इसमें क्या है कि वन प्लस में ये ऑप्शन है कि ईयरफोन नहीं लगते, वो वायर वाले, मेरे पास वायर वाले बहुत सारे रखे हैं सैमसंग के, बट ये लगते ही नहीं है, तो मुझे ज़रूरत थी। इन्होंने बोला कि चलो ये मंगवा ही लेते हैं, तो इन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। थोड़ा सा क्या लेट हो गए थे तो मैंने सिंपल सी डेकोरेशन करी है, 4 बलून लगा दिए स्टेबल के, और ये केली खाए कैंडी से। और मैं केक बताती हूँ आपको, पहले केक फोटो वाला बनवा रही थी, मेरी मम्मी ने बोला कि है ना मुंडा ना काटा कौनी, नॉन वेज की ज्यों जाए, तो उनको किटकैट पसंद है, तो मैंने किटकैट वाला बनवा दिया था। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सूट मैंने वो वाला ही पहना है, जाते टाइम मैं सूट मतलब सलवार सूट पहनूंगी, इसलिए केक कटिंग में तो अभी यही पहन लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मेकअप वेकअप तो कर ही लिया है, बस ओनली वो पहनना होगा सूट वूट, रवाना हो जाएंगे हमारा क्या। तो चलो अब माँ ये क्या ऊपर वाले मामी सा को बुलाने के लिए गए केक काटने के लिए, पापा ड्रेस पहन रहे हैं। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हो गया, मम्मी को खिलाओ, ले भाई खाओ भाई मम्मी।
तो ये मैंने पहन लिया है सूट। हाँ तो हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, ये है चाणक्य। चलो मैं आपको बताती हूँ, खाने का तो मुझे भी पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। तो ये है चाणक्य एसी वेज रेस्टोरेंट, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। और ये आते ही मतलब यहाँ शुरू हो गई यार, मतलब 5-10 मिनट तो सूंढ की बैठी रहे। अभी तो देखो ट्राई करते हैं, ये मेन्यू आ गया है, चलो डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा खाना आ चुका है, राइस पूरी थाली स्पेशल थाली थी वही। तो अब हम खाना खाते हैं, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये खाना कैसा था, अच्छा लगा था। हम खा लेते हैं फिर आपको बताऊंगी। तो हमारा खाना पीना हो गया है, हमने मंगवाई थी यहाँ की चाणक्य स्पेशल थाली, अच्छा था मतलब खाना। इसमें बस एक स्पेशल थाली में वो मीठा वाला सब्जी आती है पनीर की, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगी। बाकी स्पेशल थाली में दाल मखनी थी, पनीर की सब्जी थी, बहुत टेस्टी थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा खाना। मतलब अंदर से छोटा सा फैमिली रेस्टोरेंट है, बजट फुल भी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका खाना। अब जाते हैं घर पे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, ये ड्यूटी से आए, फिर केक वेक कट किया। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और नींद तो खुली नहीं, क्योंकि वहाँ पर ना पता है मैं उठती थी 8-9 बजे, अब एकदम से यहाँ पे शेड्यूल चेंज हो गया, 6 बजे उठने थे। और रात को क्या है कि वैसे तो नींद खुल जाती, बट रात को हम लेट सोए थे बहुत ज़्यादा, 12:30 बजे तो रीवा भाई सा सोए हमारे, 12 बजे हम मतलब फ्री होके लेटे थे, फिर रीवा भाई सा को सुलाया, 12:30 बज गई। फिर उसके बाद मैं रात को 1 घंटे के लिए लाइट चलेगी, तब हमारी रीवा भाई सा और मेरे को दोनों को इतनी गर्मी लगती है ना, तो हमारे तो लाइट जाती है, नींद खुल गई दोनों की। फिर उसके बाद नींद आते 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 सुबह हो गई, तो ये कारण था, इसलिए मैंने सब्जी कुछ भी नहीं बना पाई। तो फिर क्या था, मैं बना रही हूँ दाल, हल्की हल्की गाढ़ी गाढ़ी दाल बना। तो मेरा क्या है, कूलर अभी तक सही होके नहीं आया, तो हम वही नीचे बैठक वाले कमरे में सोते हैं। अरे ये देखो, इसको कब से उठाने में लग रही हूँ मैं, 9 बज गई। फिर क्या, दिन में नहीं सोती, अगर ये अभी नहीं उठाऊँगी ना इसको जल्दी, तो फिर ये दिन में नहीं सोती। आजकल मैं इसको जल्दी उठाने लगी, फिर भी आज थोड़ा सा क्या लेट हो गए, 9 बज गई है, नहीं तो मैं इसको 8:30 बजे उठा देती हूँ। उठो रीवा, रीवा बिस्तर हटा दी उधर के, फिर भी उस देखना कैसे सो रही है। तो साफ़ सफाई हो गई, पहले क्या साफ़ सफाई अच्छे से बिस्तर विस्तर झड़काना, ताके वाके झड़काना अच्छे से कर कुरा के फिर झाड़ू पोछे करती हूँ, जिससे क्या धूल मिट्टी भी हो ना ताकों में तो वो भी साफ़ हो जाती है, तो मिट्टी नीचे आ जाती है। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछे। ब्रेकफास्ट में वही मेरा मम्मी ने धनिया जमाया था वो, और बादाम वो पाउडर बनाया था, प्रोटीन पाउडर जा था जो, वो दूध में डाल के, तो वो ब्रेकफास्ट करते हैं हम। जय सियाराम, जय सियाराम। मम्मी भी नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी नाश्ता करूँगी अब, फिर काम करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैं बना रही हूँ सबके लिए सैंडविच, 2 मसाले आपको दिख रहे होंगे, एक मसाला है मम्मी का बिना लहसुन प्याज का, और एक है जिसमें प्याज है। तो सबसे पहले मम्मी के लिए बनाऊँगी, फिर हम सबके लिए बनाऊँगी आज मेरी सैंडविच, अब मैं खा लेती हूँ। तो हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, सब घर वाले, ये वो हैं जो पहले हमारे ना यहाँ पे रेंट पे रहते थे, मतलब 2 भाई रहते थे, तो अब उनका घर भी बन गया, शादी हो गई, अब वो बेबी गर्ल हुई है उनके, 1 साल की हो गई है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें इनवाइट किया है, तो हम जा रहे हैं सारे के साथ रेडी हो गए। सिंपल ही है, मतलब फैमिली में और किसी को नहीं बुलाया है, बस हमारी फैमिली है और उनकी फैमिली और कोई नहीं है। मम्मी तो पहले चले ही गए थे, अब हम जाना बाकी है, चलो चलते हैं। Happy birthday to you, happy birthday dear Pihu, happy birthday to you। तो हम खाना वाना खा पी के आ गए और मैंने चेंज भी कर ली ड्रेस, थोड़ी गर्मी में यार पसीना आ जाता है नई ड्रेस की वजह से। और
खाना खाने जा रहे थे जब ये सुरजीत अपना भी आ गए तो वो भी साथ में गए थे, जोधपुर घूमने गए थे ना ये, तो वहां से शॉपिंग करके लाए हमारे लिए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेके आया हमारे लिए। और मेरे साथ पता है चोट हो गई, मैं पापा की घर की चप्पल है ना वो ही पहन के चली गई वहां पे, मुझे बाद में पता चला कि अरे यार ये पता नहीं क्या पहन के आ गई। चलो मैं दिखाती हूँ, पहले मेरी वाली दिखाती हूँ। तो ये जोधपुर से सुरजीत बना हमारे लिए जूतियां लेके आए, ये मेरी वाली है। नेक्स्ट है ये किस्मत भाई से के लिए लेके आए हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रीवा बाईसा के लिए लेके आए, थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है, इतनी सी आप कह सकते हो, इतनी सी बड़ी है, बाकी एकदम फिक्स है इसके। तो ये हमारी रीवा बाईसा के लिए जूतियां तो नॉर्मली मिलती है, अच्छी नहीं थी डिजाइन में।